गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मयंक फ्रॉम ग्रो योर पैसा। डीएसपी ने इस हफ्ते 3 नए एनएफओस निकाले हैं और उनमें से एक एनएफओ है डीएसपी निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ। तो जैसे कि नाम में काफ़ी कुछ क्लैरिटी है कि यह है जो एक्सचेंज रेट फंड है, इसको हम ईटीएफ कहते हैं। यह है पीएसयू बैंक्स में पैसा निवेश करेगा। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, तो उन तरह के जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें निवेश करेगा। और यह एक एक्सचेंज रेट फंड है। तो ईटीएफ्स क्या होते हैं कि यह एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, मगर जो मार्केट में लिस्ट होता है, यानी कि आप इसको जैसे आप शेयर्स जाके खरीदते बेचते हैं, वैसे आप इसको इस स्कीम को भी खरीदा बेच सकते हैं मार्केट में एक स्टॉक की तरह। तो ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा और इसको आप जैसे 9 से लेकर 3:30 बजे जैसे मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करते हैं, वैसे आप इस स्कीम में भी बाय और सेल कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये होता है कि एक तो इसको रियल टाइम ले सकते हैं, तो आपको डे एंड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप रिक्वेस्ट डालोगे और फिर डे एंड पे फंड हाउस उसमें आपको बाय करके देगा। यह जो है आप रियल टाइम पे मार्केट से खरीद सकते हैं या उसको बेच सकते हैं, और इसमें चार्जेस जो हैं वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम के बदले थोड़े कम होते हैं। ये जो स्कीम है ये 17 जुलाई से आ चुकी है और 21 जुलाई तक एनएफओ के फॉर्म में रहेगी, जिसमें आप डीएसपी की वेबसाइट से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर जो कि स्कीम को बेच रहा है उसके थ्रू भी उसको खरीद सकते हैं, और जितना भी आप पैसा निवेश करेंगे उतने हिसाब से शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे इस स्कीम के। अब ये स्कीम उन निवेशकों के लिए अच्छी है जिनका एक्सपोजर पीएफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं है और वो लेना चाहते हैं। पीएसयू बैंक्स थोड़ा टाइम पहले तक काफ़ी वीक थे क्योंकि एनपीएस का इशू चल रहा था। पिछले 2-3 साल से जब से एक सरकार ने इनको बैंक्स को जाके कंसोलिडेट करके, जो पहले बहुत सारे बैंक्स थे गवर्नमेंट के, उन्होंने उसको कंबाइन करके 3 या 4 बैंक्स में डाल दिया है, एक तो उससे इस सेक्टर को थोड़ी मजबूती मिली है, और दूसरा सरकार का जो वापस ध्यान इन सब बैंक्स में रिकैपिटलाइजेशन में आया है तो उससे भी इस सेक्टर को थोड़ी मजबूती मिली है। मगर लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक का जो पास डेटा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़म नहीं लेता है। बहरहाल तब भी जिनकी रुचि है उनके लिए अच्छा फंड है, क्योंकि ये निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स है उसको क्लोजली रेप्लिकेट करता है, क्योंकि इंडेक्स फंड है तो यहाँ पे फंड मैनेजर की डिस्कशन ज़्यादा नहीं रहती, जैसा भी वो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रहेगा वैसा ही ये फंड अभी रहेगा। यानी कि लेट्स सपोज अगर उस इंडेक्स के अंदर एसबीआई शेयर होगा उसकी वेटेज 20% है, तो स्कीम के अंदर भी 20% पैसा एसबीआई में के शेयर्स खरीदने में जाएगा, तो क्लोजली इसकी जो रिटर्न्स है वो निफ्टी पीएसयू बैंक के रिटर्न्स के साथ रेप्लिकेट करेगी। इस तरह का फंड उन निवेशकों के लिए अच्छा है जिनका थोड़ा सा जो अंतराल है निवेश का वो एटलीस्ट 5 से 10 साल का है। शॉर्ट ड्यूरेशन वालों के लिए यह स्कीम अच्छी नहीं है। तो नटशेल में उनके लिए अच्छा स्कीम है, पहला जिनका जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का वो एटलीस्ट 5 to 10 years का है, दूसरा जिनका एक्सपोजर अभी तक पीएसयू बैंक्स में नहीं है, और तीसरा वो पीएसयू बैंक्स के सेक्टर में की स्टोरी में बिलीव करते हैं और पीएसयू बैंक में पैसा लगाना चाहते हैं। तो यह इसका एक समराइज्ड वर्जन है स्कीम का। हमारे तरफ से राय ये है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मगर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीएसयू बैंक की स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है लॉन्ग टर्म के अंदर। विद दिस थैंक यू वेरी मच। Good night.